अमृतपाल सिंह जिहड़े डिब्रूगढ़ जेल विच सख्त धारावां तहत बंद ने उन्हां वल्लों पंजाब च खडूर साहिब लोक सभा चोणां 2024 च भाग लिया जाएगा। अमृतपाल सिंह नू असाम दी डिब्रूगढ़ जेल च मिलन उपरंत सबका मैंबर पार्लीमेंट राजदेव सिंह खालसा ने दस्सिया कि वह आजाद उम्मीदवार वजों चोणां लड़नगे। इस मौके सबका मैंबर पार्लीमेंट राजदेव सिंह खालसा ने की कहा, तुसी आप ही सुनो। डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल में मुलाकात की जी, क्या बताया उन्होंने के इलेक्शन के बारे में? हाँ, मैंने वहाँ पर उनको बताया था कि तमाम जो जनता है वो निवेदन कर रही है कि सिख संगत भी निवेदन कर रही है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 1 जून को पंजाब में, उनको कंटेस्ट करें, तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा कि जो लोग हैं वो सरकार के इनके गिरफ्तारी के कदम के खिलाफ हैं और जो इन्होंने खालसा पंथ के खिलाफ फैसला किया पंजाब की सरकार ने उसके भी खिलाफ हैं। तो भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने मेरे निवेदन को और जनता के निवेदन को, सिख संगत के निवेदन को जो है वो मान लिया, मंजूर करके उन्होंने कहा कि वो खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो लोकसभा की, जो अमृतसर के बगल में है और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां से अवश्य चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं? वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो कंफर्मेशन है, आपने जो अभी कहा है, अभी जो खुलासा किया है, तो उसका जो पुष्टि है वो उनके जो अमृतपाल के माँ जो है उन्होंने अभी तक नहीं किया। उन्होंने बोला है कि पंजाब में भी बोला है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, वो आके बात करेंगे उसके बाद होगा, क्या ये सही है? देखो जी, मेरे को नहीं मालूम, मजर पोटाले तो आ रहे हैं, उनके पिता तरसेम सिंह और उनके चाचा सुरचैन सिंह, उनकी मुलाकात कल को है, जब मेरे से बात कर दी तो कन्फर्म कर लें तो वो ठीक है। मैंने जो कन्फर्मेशन थी वो भाई अमृतपाल सिंह खालसा से लेनी थी, इनसे नहीं लेनी थी, इन्होंने आगे उनसे कन्फर्म करना है तो कर लेंगे। अमृतपाल सिंह जी ने आपको कोई अथॉरिटी दिया है, लेटर लिख के दिया, आपको ऑथराइज किया क्या इस बारे में? कोई ऐसा नहीं, इसमें अथॉरिटी लेटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो नॉमिनेशन नामांकन पत्र जो दाखिल करने हैं उस पर इनके दस्तखत होंगे और इनके पास है, डीसी ने जो डीसी के पास जाकर वो ऑथ ली जाएगी, तो उसमें कोई अथॉरिटी लेटर इशू ही नहीं किया जा सकता। किस तरह से आप ये नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी आगे, क्या नॉमिनेशन फाइल करेंगे और कैसे जेल के अंदर से करेंगे? वो तो ये हमारे जो है सिख लीडरों ने और लीडरों ने बहुत चुनाव लड़े हैं जेल के अंदर से, और जेल के अंदर से विजय हासिल करते रहे हैं, जेल से लड़ते रहे हैं। तो ये आप नॉमिनेशन कब तक फाइल करेंगे? ये नॉमिनेशन 7 मई से 14 मई तक जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं, उससे पहले तो 7 मई से पहले तो किए नहीं जा सकते। तो खडूर साहिब जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें आपको कौन कौन से और बाकी कैंडिडेट है आपके, इसके बारे में क्या जानकारी है? नहीं, कैंडिडेट देखो, ये एक मन्ना है वो बीजेपी का कैंडिडेट है, एक क्या कहते हैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का कैंडिडेट है हरपाल सिंह बलेर, और कांग्रेस ने अभी अपना कैंडिडेट जो ऐलान नहीं किया, और लालजीत सिंह भुल्लर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है पंजाब का, वो आम पार्टी की ओर से वहां से कैंडिडेट है। तो क्या लगता है इनकी जीतने की, जो आप क्या कह सकते हैं? देखो ये थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे, अनप्रेसिडेंटेड मेजोरिटी होगी, ऐसी मेजोरिटी होगी कि बाकी सभी की जो है जमानत जब्त हो जाएगी। बरनाला तो जतिंदर देवगन की रिपोर्ट।